हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक तक पर। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 2020 के बेस्ट एंड्रॉयड गेम्स के बारे में, और आपको बताने वाला हूँ कि इस साल किन गेम्स की धूम रही और कौन से वो गेम्स हैं जो आपको खेलने चाहिए या फिर जो लोगों ने सबसे ज़्यादा खेले हैं। ये लिस्ट हर साल की तरह गूगल प्ले स्टोर ने इस बार भी जारी की है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूँ शिवम। तो 2020 का जो टॉप गेम रहा है, जो नंबर एक की पोजीशन जिसने हासिल की है और बेस्ट गेम ऑफ 2020 का जिसको खिताब मिला है, उस गेम का नाम है लेजेंड्स ऑफ रुनटेरा। और ये कार्ड गेम है, इसके ग्राफिक्स बहुत सही बनाए गए हैं कार्ड गेम के हिसाब से, और इस गेम को आप अपनी क्लेवरनेस, स्मार्टनेस और अपनी स्किल्स के ज़रिए जीत सकते हैं। खास बात यह है कि इस गेम की 4.5 रेटिंग्स है और 5 मिलियन से ज़्यादा बार इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने अभी तक ये गेम नहीं खेला है तो आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर एक से चलते हैं नंबर दो की ओर, और नंबर दो पर जिस गेम ने अपनी जगह बनाई है उसका नाम है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3। और ये जो गेम है WCC 3, ये WCC 2 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस गेम की खास बात यह है कि इसमें आपको आकाश चोपड़ा और मैथ्यू हेडन की कमेंट्री का मज़ा मिलेगा, साथ ही साथ आपको नए स्टेडियम्स देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ये एक AI बेस्ड गेम है जो कि आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं या फिर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। तो ये एक क्रिकेट गेम है और क्रिकेट का इंडिया में तो फीवर है ही, तो ये नंबर एक या नंबर दो पर होना लाजमी था। तो इसलिए इस बार ये नंबर दो पर इसने अपनी पोजीशन बनाई है, और इस गेम का नाम है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3, और गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नंबर तीन पर, और 2020 में नंबर तीन पर जिस गेम ने अपनी पोजीशन बनाई है, उस गेम का नाम है बुलेट एको। और ये एक एक्शन गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है, और काफ़ी सारे गेम्स मोड इसमें आते हैं, जैसे कि टीम वर्सेस टीम है, सोलो है और बैटल रॉयल मोड भी है। खास बात यह है कि इस गेम में एक साथ 5 टीमें हिस्सा ले सकती हैं। तो अगर आप और आपके दोस्त कोई ऐसा गेम खेलना चाहते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ खेल सकें, तो बुलेट एको आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। खास बात यह है इस गेम की कि इसको खेलने के लिए आपको कोई हाई एंड स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नॉर्मल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर इस गेम को खेला जा सकता है। चलते हैं नंबर चार पर, और यहाँ पर जगह बनाई है कुकी मस्ट डाई गेम ने। और ये जो गेम है बहुत ही शानदार गेम है, क्योंकि इसमें जो आपका कैरेक्टर होता है उसका नाम जैक होता है और उस पर सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, और आपको अपनी सिटी को ईवल ग्रुप से बचाना होता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा इसमें आता है, लाइट गेम है, और इसको भी आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और 2020 में 4th पोजीशन पर ये गेम आया है। मूविंग टू नंबर 5, और यहाँ पर जगह बनाई है एशियन कुकिंग स्टार गेम ने। और अगर आपको खाना खाने का या खाना बनाने का शौक है तो ये जो गेम है ये आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें आपको जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, मिडल ईस्ट, साउथ कोरिया और रशिया जैसी कंट्रीज़ का खाना बनाने का मौका भी मिलेगा और साथ ही खाने का मौका भी मिलेगा। और इस गेम में आप अच्छी अच्छी डिशेज बनाकर एक वर्चुअल मास्टर शेफ़ या फिर एक वर्चुअल स्टार शेफ ज़रूर बन सकते हैं। तो नंबर 5 पर जो गेम है इसका नाम है एशियन कुकिंग स्टार गेम, और ये है फूडी लोगों के लिए। अब चलते हैं नंबर 6 पर, यानी कि आज की वीडियो के लास्ट गेम पर, और 2020 के बेस्ट गेम्स की लिस्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है नंबर 6 पर आकर। और इस गेम का नाम है फैनकेड। और इस गेम की खास बात यह है कि इस गेम के अंदर ही 50 गेम है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, इस गेम के अंदर आपको 50 अलग अलग तरीके के गेम्स डेली देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का कोई गेम भी बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप आसानी से बना सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी प्लेयर खुद क्रिएटर बन सकता है, गेम्स नए नए डिज़ाइन कर सकता है, उनको खेल सकता है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकता है। तो अगर आपको गेम खेलने के अलावा बनाने का भी शौक है तो फैनकेड आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकता है। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ ये बेस्ट 2020 गेम्स की आज की ये लिस्ट। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक की दुनिया से जुड़े ही कोई और खबर जानना चाहते हैं, कोई और रिव्यू या फिर कुछ और देखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उसकी वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएँ, और तब तक के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा टेक तक।